नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और जो आप ये न्यूज रूम देख रहे हैं, अमूमन मैं आपको स्टूडियो से नजर आता हूं, लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, तो इसलिए खास जगह पर आपको लेकर आए हम। जी राजस्थान का ये न्यूज रूम है और ये तमाम मेरे सहकर्मी हैं। हमारे साथ भारतीय राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की एक खास शख्सियत जुड़ी है, मदन राठौड़ जी, राज्यसभा सांसद हैं। सर स्वागत है। आज मदन राठौड़ जी आए हैं और इनसे आज सवालों का सिलसिला होगा, चर्चा शुरू करेंगे, राजस्थान की राजनीति के बारे में जानेंगे, भारत की राजनीति के बारे में जानेंगे, चुनावों के बारे में बात करेंगे, अब की बार 400 पार के बारे में बात करेंगे और कुछ व्यक्तिगत सवाल भी होंगे जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका जी राजस्थान। नमस्कार। सबसे पहले सर, चुनाव चल रहे हैं तो सवाल उसी से जुड़ा, अब की बार 400 पार? निश्चित रूप से 400 पार, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि संभव नहीं है, होने नहीं देंगे। विपक्ष यदि ये कह दे कि ये संभव है तो वो तो समाप्ति हो जाएगा। महागठबंधन की दलील दे रहा है विपक्ष, कह रहा है गठबंधन तैयार है हमारा, बीजेपी जोर लगा ले। देखिए, चुनाव से पहले सबको और अपने टीम को उत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से विपक्ष ऐसी भूमिका निभाएगा। यदि विपक्ष हमारी बात को स्वीकार कर ले तो फिर विपक्ष की पूरी टीम भी बिखर जाएगी, इसलिए उसको तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि नहीं, हम जीत रहे हैं और एनडीए हार रहा है। किसानों की जो बेल्ट कही जाती है, श्रीगंगानगर ले लीजिए, हंस रहे हैं आप, किसान नाराज है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वहां पर, जो किसानों की बेल्ट रही। देखिए, किसान हिंदुस्तान का, मैं सोचता हूँ कि 70% किसान वर्ग है, कोई एक वर्ग एक क्षेत्र विशेष को लेकर के यदि कहें या संपन्न किसान नाराज हो सकता है, वो क्यों वायदा किसानों में भी अंतर, संपन्न किसान और पिछड़ा किसान, ये भी डिफरेंस हो गया क्या? ये ऐसा तो किसान ही समझते थे। देखिए, एक वो किसान है जो मेहनत कश, यानी पूरा गर्मी हो सर्दी हो कैसे भी करके, और एक किसान जोता है एयर कंडीशन में बैठ करके खेती करवाता है, तो दोनों में फर्क तो है ही है, वो तो स्वाभाविक है। अच्छा, मैं मैं जानकारी लूंगा, मैं देखिए मैं और सवाल लूंगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी ईश्वर सिंह भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम न्यूज रूम में मेरे सहयोगी साथ में हैं। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें सर से, राजस्थान की राजनीति को लेकर, आप पूछ सकते हैं। मोदी जी ने आपको पेशेंस का तो रिवार्ड दिया, लेकिन जब विधानसभा में टिकट कटा तो आप बागी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने चले गए थे, तो उस समय क्या थोड़ा सा क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई थी या क्या था कि जो आप एकदम नामांकन करने गए, हालांकि बाद में आपने मोदी जी का पार्टी का सम्मान रखते हुए नामांकन वापस लिया? देखिए, मेरा 2003 में मुझे टिकट दिया था, मैं जीता था बिना काक करके, कैबिनेट मिनिस्टर को मैंने हराया। 2008 में मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने पार्टी का काम किया। 2013 में मुझे टिकट दिया, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत करके गया विधानसभा में, और 18 में नहीं दिया तो 23 में मैंने केवल छोटी सी फुफकार थी, वो डसना नहीं था, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, एक फुफकार थी, और उसके बारे में अब मैं यही बताना चाहूंगा कि मुझे, मैं डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ और विधिवत निर्धारित समय सीमा में मैंने नामांकन वापिस ले लिया था, कोई भी प्रकार की अनुशासनहीनता मैंने नहीं की, मैंने पार्टी का काम किया, पार्टी के लिए आज भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाह रही कि मारवाड़ी बात करा तो मारवाड़ में गर्मी तो घनी वेरी, सियासी पारो भी हाई वेरो, पाली री बात करा तो पाली में फैक्ट्री सबसे ज्यादा, मैं पाली में जो पर्यावरण प्रदूषण वेरो वाके बाने कई करला। ये बात आपने बहुत सही सवाल किया है, मैं मारवाड़ी में जवाब दूं कि आप बिल्कुल सही बात पूछी हो, और पाली री जो प्रदूषण की जो समस्या है बीरो समाधान करने वास्ते मैं सब लोग पूरा तत्पर हाँ, और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आना, मतलब कोई भी इफ्लुएंट वाटर जो है प्रदूषित पानी वो नदी रे मायने नहीं जावण डाला, और मैं लोग तय करियो हाँ, इन वास्ते राजस्थान सरकार भी बड़े पैसा दिया है, केंद्र सरकार भी पैसा दिया है, और वो ट्रीटमेंट प्लांट्स एडा बन रिया है, मतलब अबे कदे भी वो प्रदूषण की समस्या, मैं सोचता हूँ कि 5-6 महीना बाद में बिल्कुल नहीं रहे वाला। अच्छा, आपने पानी को लेकर भी एक मुहिम की थी पाली में, कहा था सीएम साहब को मैं लेटर लिखूंगा, कमी नहीं होने दी जाएगी। ये देखिए, लेटर की बात क्या है, मैं खुद मिल के आया हूँ और पानी के लिए मैंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, आंदोलन तो क्या कहें, मैं जब 2003 में एमएलए बना और तब मैंने एक जवाई पुनर्भरण की एक स्कीम तैयार कराई थी,
और उस स्कीम में ये सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन से भी हमने बात करी। गुजरात में जो साबरमती बेसिन है, जो राजस्थान से 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो बरसाती पानी है, उस पानी को हम राजस्थान में एकत्रित करके 4 डैम बनाने वाले थे, और वो दोनों सब चारों को आपस में इंटरकनेक्ट करके और जवाई बांध में लाने वाले थे। ये एक स्कीम हमने तैयार करी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने अपने 2018 के बजट में, मार्च के बजट में, और इसकी स्वीकृति दे दी 6000 करोड़ रुपया। 3000 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में और 3000 करोड़ रुपया सेकेंड फेज में ये दे दिया। लेकिन हमारी सरकार दोबारा बनी नहीं, कांग्रेस की सरकार बन गई थी उस समय 18 से, तो उन्होंने 5 साल में इस मैटर पर कोई काम नहीं किया। फिर वापस अब हमारी सरकार आई है, हमने 3000 करोड़ रुपया दे दिया, और वो पानी जो गुजरात में बाढ़ पैदा करता है, बरसाती पानी आता है ना, तो गुजरात की 8000 स्क्वायर किलोमीटर में साबरमती है बेसिन है, और 4000 किलोमीटर राजस्थान की जमीन का बरसाती पानी है, वो बह करके गुजरात में बाढ़ पैदा करता है। तो उस पानी को हम रोक रहे हैं, कहीं किसी को तकलीफ भी नहीं है। साबरमती ऐसा तो नहीं है कि बारहमासी नदी तो है नहीं, वो वहाँ बरसात के समय में ही वहाँ पानी आता। आप सवाल पूछ सकते हैं भाई, जो भी है। हाँ हाँ नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 1980 के दशक से आप एक आरएसएस संघ में रहे, प्रचारक के रूप में आपने काम किया देश के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि पूरे विश्व में आरएसएस एक अपना काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो 1980 से लेकर 2024 तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, वो मैं जानना चाहती हूँ सर। आपने तो गजब का सवाल कर दिया। आरएसएस पहले से काफी मॉडर्न भी हो गई है, तरीका थोड़ा सा बदला, वर्किंग कल्चर उसका क्या? देखिए, व्यवस्थाएं कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, केवल पहले बहुत कठिन काम था, मुश्किल से आवागमन संभव था, अभी आवागमन सुलभ हुआ है, थोड़ी व्यवस्थाओं में द्रुत गति लाने का एक अवसर मिला है, तो हमने भी स्पीड अप किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो संघ का काम भी बढ़ा है और हमने दुनिया में भी बढ़ाया है, वहाँ बाकी जगह पर भी भारतीय स्वयंसेवक संघ करके हमारी संस्था काम करती है, कई महिलाओं के मामले में भी हम काम करते हैं, राष्ट्रीय सेविका समिति काम करती है, जो महिला वर्ग में राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र, ये एक सब में होना चाहिए। देखिए, आरएसएस के प्रमुख ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आपने ठीक सवाल किया, हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो, चाहे वो नमाज पढ़े हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो मंदिर में जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पद्धति उसकी कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व हमारा निर्माण होना चाहिए, यह आरएसएस चाहता है। ये परिवर्तन आया, जो आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक सवाल किया कि आरएसएस में भी जो परिवर्तन आया, हम देखिए, इस देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय है, लेकिन एक छोटा सा आपको मैं प्रश्न कर दूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का यदि क्रिकेट का मैच और पाकिस्तान जीत जाए जो पटाखे फोड़े, तो मैं उसको राष्ट्रीय चरित्र नहीं मानता। तो ये तो अपन, ये भावना तो हमें होनी चाहिए, हम इस देश के अंगभूत घटक हैं, यहाँ के कण कण से हमारी आत्मीयता का भाव होना चाहिए, हम उसके प्रति आदर रखें, हमारे इतिहास हमारी धरोहर है, ये सब चीजें तो हमको तो ध्यान में रखना ही चाहिए। अच्छा सर, इसी से जुड़ी एक क्वेश्चन है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है भाजपा पे कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो इससे आप क्या कहेंगे, राजनीति के साथ धर्म होना और धर्म के साथ राजनीति, ये दोनों का तालमेल क्या है? देखिए, हमारी एक सोच है, सर्वे भवंतु सुखिना, सभी सुखी रहे, ये हमारी सोच है, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते, हम पेड़ पौधों का भी सम्मान करते हैं, रात्रि में मेरे तो हमें पता है कि हम रात्रि में पेड़ को भी नहीं हिलाते, यानी बिल्कुल ऐसा भाव है, चींटी को दाना देना, हमारा संस्कार इस प्रकार के हैं, हम किसी भी धर्म के प्रति कभी भी भेद नहीं करते, बस केवल मैंने जो बात कही कि जहाँ हम खड़े हैं ये हमारी मातृभूमि है, इसके प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव हम सब में होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, हम इसके लिए जिए, इसके लिए मरे, यही हमारा जो संस्कार होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष ये कहता आया था कि बीजेपी की कमांड आरएसएस के हाथों में है, आरएसएस मुख्यालय से तय होता है जो होता है, कैसा है क्या कुछ? देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करता है, और हमारी सोच ये है कि सभी पार्टियों में राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, हाँ, यानी मतदाता को ये अवसर मिलना चाहिए कि
हम नीतिगत निर्णय करें, आज ये नहीं कि ये हिंदू है कि ये वो है कि वो नहीं, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। क्योंकि सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे ना निजी सवाल, मतलब मैं कहूंगा कि मैं पाली के बारे में पूछूंगा आपसे और पाली की संस्कृति के बारे में पूछूंगा, वहाँ के खान पान के बारे में पूछूंगा। पहले तो बताइए कि वहाँ सबसे ज्यादा खाने के लिए क्या फेमस है जो आप भी खाते हैं, मतलब आप जनरली चाहते हैं कि वो टेस्ट याद करते हैं और वो आप, मैं चाहूंगा कि जनता, हमारे राजस्थान की जनता भी सुन रही, वो कैसा क्या फेमस है कि लोग वहाँ पहुंचे, वो प्रसिद्ध है दिल्ली तक भी पहुंचे, लोग आए खाएं, ऐसा क्या है पाली का? मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, पाली आए, पाली का गुंजा पेठा प्रसिद्ध है, पाली की जलेबी बहुत अच्छी है, पाली के और गुलाब हलवा, कभी मैं अगली बार आऊंगा तो मैं लेकर के भी आऊंगा आपके यहाँ, गुलाब हलवा प्रसिद्ध है, उसमें चीनी बहुत कम मिलती है, घी बिल्कुल नहीं मिलता, केवल दूध को रडा रडा करके उसको गुलाबी कलर कर देते हैं, थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, तो शुगर पेशेंट भी उसको खा सकता है। अच्छा, इतने बिजी शेड्यूल में से आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं सर, अपने परिवार के लिए, घर के लिए? और दूसरा, जब आपने RSS ज्वाइन की थी उस वक्त पर क्या कह दिया कि हाँ जाओ ज्वाइन करो, परिवार की तरफ से पूरी सहमति थी, फिर आप सक्रिय राजनीति में आए, वो थोड़ा अगर पृष्ठभूमि में बता सके आप? देखिए, मैं 1962 में स्वयंसेवक बना जी, उसके बाद मैं ITC OTC करके और थर्ड ईयर कर लिया था मैंने 72 में, उसके बाद मैं 2 वर्ष के लिए मैं प्रचारक के लिए निकला था जी, और उसके बाद में फिर वापिस लौट के आए तो फिर 99 के आटा दाल के भाव में लग गए, मैंने टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई, माइनिंग का काम किया, ऐसे करके मैं इंडस्ट्री लाइन में भी आया, फिर चूंकि मेरा बेस वही था और फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी में विलय हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से मैं विभिन्न पदों पर रहा, 4 बार जिलाध्यक्ष भी रहा। परिवार के साथ, ये बात तो आपने सही कही है, समय नहीं दे पाते हैं, कम समय दे पाते हैं, थोड़ी नाराजगी परिवार के लोगों में है, बच्चों में भी है और पुत्र वधू भी है। दूर करने के लिए क्या करते हैं, नाराजगी दूर करने के लिए क्या कहते हैं? चॉकलेट ले आते हैं, मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं, या हलवा लेकर जाते हैं। वैसे एक बात है, वो भी अपने आप को अभ्यस्त कर चुके हैं, और जब आपका चैनल देखेंगे तो उनको लगेगा कि चलो हमारी चिंता कोई तो कर रहा है। लेकिन एक हमारे जो जैसलमेर, बाड़मेर और बायोती वाली सीट है, उसकी चर्चा है रविंद्र सिंह भाटी की, कि वो तो चुनाव जो है जीत रहे हैं, ऐसा या फिर मीडिया के माध्यम से कहें या पब्लिक के माध्यम से कहें, एक अलग चर्चा है उनकी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाड़मेर में शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी जी निर्दलीय चुनाव जीते, ये बहुत अच्छा उनके लिए अवसर था कि वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा कर सकते थे, लेकिन लोकसभा में, यानी अति उत्साह इसको कहूंगा मैं, अति उत्साह में एकदम से लोकसभा में खड़े हो गए, तो लोकसभा कोई निर्दलीय जीत पाना कोई संभव नहीं है, वो मैं सोचता हूँ कभी भी राजनीति में, लेकिन कुछ भी संभव और असंभव जैसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो ये भी है कि राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं है, लेकिन मैं वहां था, आज के दौर की जो राजनीति वो काफी बदल भी गई, आप ऐसा भी मानते हैं? नहीं नहीं, वो बात सही है, राजनीति में कुछ भी संभव है, देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सब पॉलिटिकल को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर तो हर किसी ने सवाल कर लिया, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर एक साल, अगर आप इस, आपने, मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें था कि आपने BSc करी हुई है मैथ्स से, तो एक मैथ्स फैक्टर ही अपने में ही बहुत वैसा हो जाता है कि फिर कोई भी हो ब्रिलियंट तो वो अपने आप ही अज्यूम हो ही जाता है, तो फिर जब मैथ्स आपने करी तो उसके बाद फिर पॉलिटिक्स क्यों? जैसे कि आपने कहा कि आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते और हम सबका मानना यही है कि फैमिली प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, तो क्या आप यूथ को भी बोलेंगे कि एक तरीके से अगर देश की सेवा करो तो परिवार को साइड कर दो? मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे मन में हमेशा रहा है कि मतदाताओं को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे में से चयन कर सके, आज परिस्थितियां ऐसी बनती गई कुछ समय पहले तक कि मतदाता के सामने एक तरफ महादुष्ट है और एक तरफ दुष्ट है, तो मतदाता क्या करेगा, दुष्ट को वोट देगा, तो यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये मैं उस समय, उस काल की बात कर रहा हूं जब मैं पॉलिटिक्स में आया, पहले मैं घृणा करता था कि राजनीति तो अच्छे लोगों का काम नहीं है, राजनीति में नहीं जाना, लेकिन फिर सोचा कि यदि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आए तो मतदाताओं को अच्छे और बुरे का चयन करने का अवसर कब मिलेगा, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो बुरे लोग राजनीति में आएंगे, कानून बनाएंगे और अच्छे लोगों को भोगना पड़ेगा उस अच्छा, कानून दो सवाल और हैं सर, चलना पड़ेगा सर, दो सवाल और हैं सर, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं एक बात बताऊं, अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, मतलब
चयन करने का मौका तो सर मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कितना असर डालने वाली है, दूसरा उसको लेकर, और दूसरा राजस्थान में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, भजनलाल सरकार आई थी कह रही थी क्राइम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नहीं थी। अभी भजनलाल जी का तो 3 महीना ही नहीं हुए सरकार में आए हुए, तो तुरंत चुनाव आ गए, इसलिए भजनलाल जी पर ये आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। पहले से ढांचा इतना बिगाड़ दिया, उस ढांचे को सुधारने में समय तो लगेगा ना, मशीनरी वही है, उसी मशीनरी की जो आदतें बिगड़ गई थी उन आदतों को सुधारने में समय लगता है, कोई सुर भी बिगड़ जाए तो सुर को भी चेंज करने में बहुत समय लगता है, तो ये तो स्थिति आएगी, लेकिन हमने उसमें सुधार की प्रक्रिया दृढ़ता से शुरू कर दी है और निश्चित रूप से सुधार करेंगे और ऐसी व्यवस्था देंगे जनता को कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। हमने देखिए पेपर लीक वालों को जेल में भेजा, SIT का गठन करके, यानी भजनलाल सरकार ने ही तो किया। और दूसरा मैं आपसे बताऊं कि जैसे ERCP की योजना जो कई लंबे समय से रुकी हुई थी, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो, अभी तो WRCP की मांग आने लग गई है, ERCP से 16 जिले राजस्थान के लाभान्वित होने वाले, तो ये काम किया है ना, नहीं किया वाली बात नहीं है। अभी बिजली की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं वो, हम सोलर पैनल को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं उसमें, ये काम हम करने वाले हैं, आम नागरिक के हितों की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। अरे ये तो बहुत बड़ा आपका सवाल था, ये वास्तव में मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपके, मतलब इतनी बड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी है जी। और बहुत मैं सोचता हूँ कि दो जगह है शायद हिंदुस्तान में, है ना, ये आप पश्चिमी हिंदुस्तान जिसको उत्तरी भारत, उत्तरी भारत का बहुत बड़ा आपका ये चैनल है, और मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि ये फलीभूत हो, फले फूले, प्रगति करे, बहुत अच्छा। जी राजस्थान के दर्शकों के लिए सर, आप तो सबकी खबर ले, सबको खबर दे, इस और हिसाब से आप प्रगति करते रहें। प्रदेश का नंबर वन चैनल है जी राजस्थान, उसके लिए सर कुछ, वास्तव में नंबर वन चैनल है, और मैं चाहूंगा कि ये चैनल, और एक और बात मैं बताऊंगा, आपकी प्रगति की बात तो करूंगा ही करूंगा, इसके साथ ही दृष्टिकोण जो है आपका, यानी जैसे देखिए कई चैनल है जो विज्ञापन भी बहुत हल्के दे देते हैं, उससे संस्कारहीनता पैदा होती है, तो ऐसे हमको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पैसा कमाना यही उद्देश्य नहीं है, समाज को संस्कारित करना हमारा उद्देश्य बने, यह बहुत जरूरी है, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। अच्छाई को प्रोत्साहित करें और जो कोई भी अश्लीलता या जो हल्का स्तर है उसको अपन टाले, और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि ऐसा चैनल मजबूती के साथ में पनपना चाहिए, ये मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। और आपने जो मेरी परीक्षा ली मैं आपका आभारी हूँ। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया और दावा कर रहे हैं, गणित के स्टूडेंट रहे हैं और दावा कर दिया कि भैया 400 पार तो होना ही होना है, और राजस्थान में भी हैट्रिक लगा रहे हैं हम, 25 की 25 सीटें ला रहे हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में, हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.